तो रिजल्ट नहीं आने वाला था। जी बाजी, आने वाला है, दुआ करें मैं पास हो जाऊं। बाजी मेरे लिए भी दुआ करना, मैं भी पास हो जाऊं। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए जरूर दुआ करूंगी। इंशाल्लाह तुम दोनों अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। हम जाएं बाजी? हाँ, शाम भी होने वाली है। ठीक है चलो, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन जो होमवर्क मैंने दिया है ना वो जरूर कंप्लीट करना, ठीक है? और अपने अपने घर जाना, एक दूसरे के घर में चले जाना, मुनासिब नहीं होता किसी और के घर जाना इस बार। ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ हाफिज़। हमारे लिए दुआ जरूर करना बाजी। हाँ करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम तायर जी। वालेकुम अस्सलाम। वाह तीरानी, मेरी बेटी सबके लिए दुआ करती है, अपने लिए नहीं करती। अल्लाह सोना तेरी ज्यादा सुनता है, अपने लिए भी दुआ किया कर। दुर्योधन, तुझे दुआओं की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है तुझे दुआओं की। हेलो आरफी। हेलो तब्रेज, बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ तुमसे। हाँ बोलो, सब ठीक तो है ना? काफी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ परेशान तो। हाँ बोलो, बताओ क्या हुआ? जिंदगी में कभी तुमसे कोई फेवर नहीं मांगी, आज पहली बार मांग रहा हूँ, साथ हो के मेरा। कौश यार, तुम मेरे भाई हो, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? शादी करना चाहता हूं मैं। क्या? मेरी बात सुनो, मजाक कर रहे हो क्या? बाकी मोहब्बत हुई है? क्यों रहे हो? बिल्कुल सीरियस हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। मैं तुम पे नहीं हंस रहा हूं, बल्कि मुझे तो हमदर्दी हो रही है उन मोहतरमा से कि जिनको तुमसे मोहब्बत हुई है। कौन है वो? मैं शफक से शादी करना चाहता हूं। क्या? अपनी शफक? बहुत अच्छी लगेगी वो तुम्हारे साथ। वैसे मुझे तुमसे इतनी समझदारी की तवक्को नहीं थी उर्फी। लेकिन अम्मा, वो अम्मा चाहती हैं कि तुम्हारी शादी शफक से हो जाए। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अम्मा और अब्बा के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकता, उनसे बहस करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तुम बात कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं। अरे मेरे भाई, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं अभी अम्मी को फोन करता हूँ और तुम्हारे और शफक के रिश्ते के लिए सिर्फ बात नहीं करूंगा बल्कि अम्मी को राजी करूँ। एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा हमेशा। एहसान की क्या बात है, तुम मेरे भाई हो।